क्या बोलता है लोन वाला सब क्या बोलता है? लोन वाला आर कहलक की जे नहीं किस्ती भरबे तो मर जाए, लोन माफ भए जाए। लोन वाला फर्जी तरीका से घूस लेकर जो है ऐसे लोगों का लोन पास कर देता है, और जब ये लोग गरीब लोग लोन नहीं भर पाता है तो इन लोगों के घर में आकर जो है तोड़ फोड़ करता है कि हाँ बैठो हमारे गाड़ी पर चलो ब्रांच। अच्छा। चाहे हमारे ब्रांच चाहे बर्तन आप साफ कीजिएगा, पोछे लगाइएगा। तमाम महिला जो है आज रोड पर उतर आई है, ये क्यों उतर आई है आपको बताना चाहेंगे। ये समूह लोन ग्रुप लोन इसको लेकर इतना ज़्यादा लोगों को परेशान किया जा रहा है, इन गरीब लोगों को इतना ज़्यादा ये लोन कर्मी आता है परेशान करता है, घर से कोई सामान निकाल लेता है, गाली गलौज करता है, इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है, इसीलिए ये लोग रोड पर आ गई है और लोन वालों के खिलाफ ये लोग जो है प्रदर्शन करने के लिए रोड पर उतर गई है। ग्रुप लोन बंद करो, 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 बंद करो, बंद करो। आइए हम जानेंगे कि ये लोग क्यों रोड पर आई है और क्या कहना चाह रही है। आए दिन आप लोग देखते होंगे कि इन लोन वालों के प्रताड़ना से जो है लोग गलत कदम उठा लेते हैं, अपने आप को ख़त्म करने पर तुल जाते हैं, लगातार इस तरह का घटना देखने को मिलता है। और इन लोगों के घर में जो है रात रात में जो है इन लोगों के घर में घुस जाता है, 10 बजे 11 बजे रात तक बैठा हुआ रहता है। आइए हम इन लोगों से पूछेंगे कि क्यों ये लोग जो है रोड पर आ गया है। आप DNY न्यूज़ देख रहे हैं, अभी हम सुपौल जिला के लतरहा में हैं। किया यहाँ सब रोड पर अलिए की दिक्कत है? जैसे हमें लोन लेना चाहिए। हाँ। लोन लेना चाहिए तो हमारा समय नहीं दे छे। हाँ। मतलब क्या गो लोन अहा लेना छे? हमें लेना छे तीन गो लोन, तीन गो लोन, तीन गो लोन। अच्छा, भरे छे 10 गो। की कहे छे सर? सब आवे छे, सर आवे छे तो कहे छे हमरा किस्ती लावा। तो इतना मिले छे 100% रोज, 200% रोज, जा हम भाज लगेबे लागते भाज तब ना हम भरबा, ता तक बैठले रहे छे एत। अच्छा, 10 बजे रात तक बैठले रहे, रातो के बैठल रहे, बैठल रहे छे 10 बजे रात तक। देखिए लगातार जो है हम DNY न्यूज़ के माध्यम से कई बार इस तरह का वीडियो आपको दिखाए हैं, जो लोन वाला किस तरह से रात में भी लोगों के घर पे बैठा हुआ रहता है, 10 बजे रात को 11 बजे रात को। की नाम भेले आके? रेणु देवी। की दिक्कत छे अहाँ के लोन वाला सब? लोन वाला से दिक्कत छे, या से आबे छे किस्ती ले कहलो अखनी नै छे सर, त कहलक की नै नै किया लेलिए लोन नै भरबे, त कहलिए हेते आ नै हेते कहलिए भरब सर। अच्छा। कहलक नै माल खोलिए बकरी खोलिए। अच्छा, गायो बकरी और खोले लागे छे? हां, जबरदस्त। अच्छा, कहलक त बक्सा तक साथ निकाल, नै त भीख मांगू नै त मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दियो माफ भए जाए। आदमी के मृत्यु पत्र क्या बोलता है? मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दो माफ हो जाएगा। हां, देख रहे हैं लोन वाला सबका करतूत देखिए। वो लोन देने टाइम में चेक नहीं करेगा, नहीं देखेगा कि कौन आदमी चलाने वाला है नहीं चलाने वाला है, और जब वो वैसे व्यक्ति को लोन दे देगा जो नहीं भी चलाने वाला है, और बाद में फिर उसको परेशान करेगा और कहेगा मृत्यु प्रमाण पत्र बना के दे दो, लोन माफ हो जाएगा। क्या बोलता है लोन वाला सब क्या बोलता है? लोन वाला आर कहलक की जे नहीं किस्ती भरबे तो मर जाए, लोन माफ भए जाए। अच्छा, और की सब अहाँ सबके परेशान? गाय आर दिए लगे छै, कहलक की जे बकरी सब, बकरी आर खोल के लिया छै, गाय आर खोले लागे छै। क्या बोलता है? बोलिए बोलिए। कहलक की जे नै नै टका अथी बैठिए गाड़ी पर चलिए ब्रांच। अच्छा, ब्रांच चलिए गाड़ी पर बैठिए। देखिए किस तरह का ये लोग जो है ये लोग कुकृत करता है लोन वाला, और किस तरह से ये लोग बेशर्मी वाला काम करता है। आता है बोलता है लोन नहीं है तो गाड़ी पर बैठो और ब्रांच चलो, ऑफिस पे चलो। तो आप लोग नहीं बोलते हैं जो ऑफिस पे जाके क्या करेंगे, की करबे ऑफिस पे जाके? बर्तने धोबे। की कहे छे? पोछे लगेबे घर में, बर्तने धोबे पोछे लगेबे, चलो ब्रांच पर। अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज है लोन आप लोग लिए हैं तो लोन तो लेने से पहले आप लोग को भी सोचना चाहिए कि हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। भरे छे हमरा आर का बढ़िए से, लेकिन वह 10 बजे रात तक रहे छे, जा ले नहीं छे किस्ती, लेट सेट नहीं ले छे, टाइम ना कल सर दू दिन नहीं हाथ तक लख, ना अखनी लाबू पैसा, अखनी जल्दी लाबू पैसा तब जेबो। आज का आज भरना है तो भरना। कल को मंगनिए दलिए सर, सुद पर दलिए है तो कलक ना सुद सुद ने जाने छी, जल्दी लाओ पैसा बात। देखिए यही सब सच्चाई है, जबकि किसी भी लोन कंपनी में फाइनेंस कंपनी में ये नियम है
कि अगर कोई मजबूर व्यक्ति, अगर कोई गरीब व्यक्ति आज किस्त नहीं भर पाया तो वो समय भी ले सकता है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन का समय भी ले सकता है, और जो भी 25-50 रुपया फाइन होगा वो फाइन के साथ भरेगा। लेकिन लोन वालों का कहना ये होता है कि हम एक भी दिन का समय नहीं देंगे, आज का आज हमको पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए। देखिए तमाम यहाँ के लोग भी यहाँ पे जो है मौजूद हैं। क्या दिक्कत है आप लोग रोड पर है, लोन वाला से क्या दिक्कत है? सर दिक्कत यही है कि इन लोग महादलित वर्ग का आदमी का जो है लोन लिया है। इन लोग टाइम पर तो लोन नहीं जुमा पाते हैं, तो आता है किस्ती वालों तो कहता है जी देखिए हमको किस्ती चाहिए, तो ठीक है आज किस्ती नहीं है, एक घंटा बैठ जाइए उसका बाद हम किस्ती भांज लगा करके लाते हैं। एक घंटा के बाद नहीं हुआ तो सीधा कहता है नहीं बुआ के तो नहीं हुआ, कल ले लीजिएगा। अच्छा। नहीं जितना बर्तन उर्तन है सब बोझिए। अच्छा। आप लोग चलिए, हम उतना नहीं जानते हैं, बहुत है माता है उन लोग, ये सब डर के मारल कहीं छिप जाता है कहीं बैठ जाता है, भूखे प्यासे नहीं आता है घरे। बताइए क्या हालात हो जाता है इन लोन वालों के कारण, डर से जो है ये महिलाएं घर में छुप जाती है, घर छोड़कर जो है खेत खलिहान में चली जाती है। और कितने ऐसे भी हम जो है हमारे पास कॉल आता है कि सर हम घर छोड़कर जो है बाहर चले आए हैं पूरा परिवार के साथ इन लोन वालों के कारण। ये लोन वाला जिस तरह से लगातार परेशान करता है, तंग करता है, क्या परेशानी है? आप तो नीतीश कुमार जी का टी शर्ट पहने हुए हैं जी। समस्या यही है यहाँ का, इन लोग महिला सब जो लोन लिया है ग्रुप लोन चाहे कोई बंधन कोई भी लोन है, जब किस्ती वाले लेने के लिए आता है तो मान लीजिए घंटा दो घंटा की एक रोज लेट भी हो सकता है, पैसे वाली बात है, तो किस्ती वाले जब लेट देखता है तो 10-11 बजे रात तक यहाँ से उसका द्वार नहीं छोड़ता है। और उसको जब लेट देखता है तो जब नहीं लास्ट में होता है तो बोलता है जो यहाँ बैठो हमारे गाड़ी पर चलो ब्रांच। अच्छा। चाहे हमारे ब्रांच चाहे बर्तन आप साफ कीजिएगा पोछे लगाइएगा। क्या बोलता है कि पैसा नहीं भर पाएगा तो गाड़ी पे बैठो और चलो ऑफिस ब्रांच। उसको झापर नहीं लगाते हैं आप लोग? नहीं, इन लोग तो डर है, इन लोग तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, इन लोग को तो इन लोग तो डर से गुमराह हो जाता है और डर से कोई भी भाग भी जाता है, जाकर के घर से बाहर दूर जाकर के छिप जाता है। देखिए एक कहावत है जैसे को तैसा, सीधा तरीका से नहीं समझेगा और इस तरह से ये गरीब लोगों को परेशान करेगा और इस तरह से इन लोगों के साथ बदतमीजी करेगा, तो आप लोग उनका जवाब दीजिए। क्या सर लोन वाला को लेकर क्या कहना चाहिएगा? लोन वाला लेकर के यही कहते हैं लोन तो सब लिए हुए हैं। हाँ। लेकिन लोन वाले जो आता है, हाँ, सरकार का नियम है 10 बजे आइए, 4 बजे तक में सब चीज बंद हो जाता है सरकारी ऑफिस टाइम है। हाँ ऑफिस टाइम में 10 बजे आइए, 4 बजे तक में आप चले जाइए, लेकिन गांव ग्रामीण में रात को रहने का पावर नहीं है आपको। पैसा दे कि नहीं दे अपन कानून कार्रवाई कीजिए, जो अति होता है आज नहीं देगा कल देगा उसके बारे में हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप टाइम से 10 बजे आइए, 4 बजे आप छोड़ करके चले जाइए। वो लोग क्या करता है? वो लोग हम देखते हैं, हम तो लोन नहीं लिए हैं, ने कुछ किए हैं, लेकिन यहाँ पर रहते हैं घर है सब का महिला का यही देखते हैं, 10-10 बजे रात तक रहता है, कहता है नहीं कल नहीं आज ये पैसा ले करके जो रहता है लोन वाला सब लोन कर्मी, ये उचित है रात को रहना? नहीं हमारी नज़र में तो नहीं है, यही हम कहते हैं, हम तो उससे तो बोला चाहिए कभी नहीं, लेकिन रात को रहते हैं देखते हैं, लेकिन 10 बजे नियम बनाइए, 10 बजे से 4 बजे के अंदर आप आइए, लोन जो देता है किसी पर का कोई रोटी है उसको नहीं जुम रहा है तो आप 4 बजे के अंदर इतने टाइम रह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हर कोई कंपनी का जो है यही नियम होता है, हर किसी का एक ऑफिस टाइम होता है, 9 बजे से 4 बजे 5 बजे, किसी का 8 बजे से है 4 बजे 5 बजे तक रहता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऐसे ऐसे कंपनी का स्टाफ जो उसके बावजूद 9 बजे 10 बजे रात तक लोगों के घर पे रहता है, ऐसे ऐसे कंपनी पर भी कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे ऐसे लोन स्टाफ पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये कहाँ से उचित है भैया 10 बजे 11 बजे रात को लोगों के घर पे रहना कहाँ से उचित है? हम कुछ लोगों का घर भी दिखाएंगे और इस वीडियो में ये बहुत बड़ा खुलासा करेंगे कि ये लोन कर्मी किस तरह से, जो लोग लोन चलाने लायक नहीं है उसको भी कैसे ये लोग लोन देते हैं और फिर जब वो नहीं भर पाते हैं तो उन लोगों को परेशान किया जाता है। पहले करवाता है तो 4-5 हज़ार इंश्योरेंस काट लेता है,
सुरेश काट लेता है घूस में 3-4 हजार 5 हजार। जिन लोग को तो पढ़ा लिखा है नहीं, जो जो मन होता है अफसर को बोल करके इन लोग से ले लेता है। अच्छा। फिर भी देखिए इतना परेशानी है, एक महीना जो जमा करेगा उससे पहले एक महीना का काट करके रख लेता है। मतलब ये आपका क्या कहना है कि लोन में बहुत लोचा है? जी इंश्योरेंस कर लेता है 4-5 हजार, मूर्ख लोग हैं, इन लोग जानते नहीं। सही बात है, देखिए 20-30 हजार का लोन देता है छोटा सा, और उस लोन के नाम पर जो है ना घुमा फिरा के फिर वही पैसा उससे दो गुना पैसा ले लेता है कंपनी वाला। इंश्योरेंस का अलग काट लेगा पैसा, फिर जो है उसका जो है कहेगा कोई सामान भी लेना पड़ेगा, फिर कुकर उकर भी लेना पड़ेगा। जब 4-5 हजार इंश्योरेंस काट लेता है फिर उसका बाद आता है घर पर जो 3-4 हजार उसको घूस चाहिए, घूस भी लगता है लोन पास कराने में। देखिए ये आम बात है, अक्सर जो है गांव घर में ये गांव घर का भी कुछ लोग मिलकर जो है महिलाओं को गांव घर के गरीब लोगों को ये लोग कुछ बुझते नहीं है, समझते नहीं है, जबकि ये लोन देने के लिए लोन स्टाफ जो है खोजता है लोगों को, फिर भी ये लोग जो है ना समझ लोग उस लोन को पास कराने के लिए पैसा दे देते हैं, 1,000 2,000 3,000 पैसा दे देते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। और कहीं ना कहीं लोन स्टाफ भी इसमें मिला हुआ रहता है, लोन स्टाफ भी घुस लेता है। देखिए आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों का घर दिखाएंगे जो कहीं से भी लोन चलाने के लिए सामर्थ्य नहीं है, और फिर भी ये लोग ये लोन कर्मी ये लोन वाला फिर भी इन लोगों को आकर आखिर किस आधार पर जो है लोगों को लोन दे देता है, क्या सोच कर क्या देख कर लोन दे देता है। ये सामने में घर देख रहे हैं ना, ये घर देख रहे हैं, आइए हम आपको और भी नज़दीक से दिखाते हैं और आप ही लोग बताइएगा कि क्या ये लोन चलाने लायक है, कौन स्टाफ लोन दिया, कौन कंपनी का स्टाफ आकर जो है इसको लोन दिया। आपका क्या नाम है, की नाम भले यहाँ के? उषा देवी। अहें के घर छे? हाँ। क्या गो लोन चलबे छे अहाँ? तीनटा। तीन गो लोन? हाँ। यहाँ घर छे अहाँ के? हाँ। अहाँ के मतलब ई घर पर लोन केना दे दल के, पास भए गेले लोन? हाँ पास भए गेले। अच्छा जे घर देखे ला आबे छे तो अहाँ ई घर देखलिए रह? देखलिए रह, कल इएह टूटला घर। दोसर कोनो घर देखलिए? ना इएह घर देखलिए। ए घर पर केना लोन दे दलके, इएह घर देख के लोन दे दलके? घूस दलिए तो नहीं देते। कते घूस लगले? 3,000। देखिए सबसे बड़ा भंडा फोड़ ये लोन वालों का, एक तो सबसे पहला चीज आप थोड़ा दिखाइए घर को इधर उधर, छप्पर पे देखिए पन्नी भी सही से नहीं है, घर में देखिए दरवाजा भी नहीं है, घर में एक कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, और कौन कंपनी वाला इसको लोन दिया, अब उस कंपनी पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप ही लोग बताइए। और क्या ये घर लोन देने लायक है, आप ही लोग बताइए भैया। और आपको बता दें कि घर लोन पास करने से पहले घर को प्रॉपर चेक किया जाता है, जिसका सही ढंग से घर रहता है, घर में दरवाज़ा रहता है, घर में सामान रहता है, उसी को लोन दिया जाता है, अन्यथा ऐसे घर पर किसी भी कंपनी का लोन पास नहीं हो सकता है। लेकिन पहले ही मैंने आपको बताया कि ये लोन वाला फर्जी तरीका से घूस लेकर जो है ऐसे लोगों का लोन पास कर देता है, और जब ये लोग गरीब लोग लोन नहीं भर पाता है तो इन लोगों के घर में आकर जो है तोड़फोड़ करता है, गाली गलौज करता है, घर से सामान निकाल लेता है। ये सच्चाई है, यही सच्चाई है, और लगातार हम इसी तरह से इन लोन वालों का करतूत आपको दिखाते रहेंगे, लोन वालों का सच्चाई आपको दिखाते रहेंगे। बाकी ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और लगातार इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए DNY न्यूज पर। धन्यवाद।